चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबर दिखाते हैं नोएडा से। नोएडा के एक फ्लैट से करोड़ों रुपए और 40 किलो सोने की चोरी हो गई। पुलिस को 7 महीने बाद चोरी का पता चला तो आरोपी पकड़ लिए गए, लेकिन अब फ्लैट का मालिक कह रहा है कि सोना और रकम है ही नहीं। सिल्वर सिटी 2 नोएडा की वो सोसाइटी जिसके एक फ्लैट से नवंबर 2020 में चोरी हुई, लेकिन पुलिस तक खबर पहुंची जून 2021 में। चोरी भी हजार लाख की नहीं, करोड़ों की। चोर फ्लैट के अंदर से 40 किलो सोना और करोड़ों के कैश पर हाथ साफ कर गए। नवंबर 2020 में उन्होंने इसी सिल्वर सिटी 2 सोसाइटी के एक फ्लैट से चोरी की थी और चाबी वाले के साथ इसी सोसाइटी की पार्किंग में पहुंचा और चाबी वाले को ऊपर फ्लैट पर लेकर गया। कमरे का जो ताला है उसकी चाबी बनवाई गई और अंदर से करीब 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ रुपए जो कैश रखा था उसे लेकर ये फरार हो गए। पुलिस को पता चला तो 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सामने आया कि इस चोरी में घर का केयरटेकर गोपाल भी शामिल था। गोपाल ने ही बदमाशों को फ्लैट के अंदर तक पहुँचाया था। यही वजह है कि 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ का कैश गायब होने के बाद भी महीनों तक किसी को इस वारदात के बारे में पता नहीं चला। हम लोगों को सूचना मिली थी कि कहीं पे अवैध संपत्ति है किसी के पास। हम लोगों ने सूचना को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद हम लोगों ने इनिशियली उसमें 2 लोग को अरेस्ट किया और उसकी जो बातें आई हम लोगों के सामने, जो इन्फॉर्मेशन उसने दी, उसको डेवलप करके कुल हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पोजीशन से टोटल 8.25 करोड़ की संपत्ति हम लोगों ने उनसे रिकवर की थी। उसके बाद जो बेसिक सूचनाएं उन लोगों ने दी है उस पर हम लोग और भी आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों ने इस चोरी की कहानी बताई तो एक नई बात सामने आई। मामले में फ्लैट के मालिक राममणि पांडे और उसके बेटे किसले पांडे का नाम सामने आया है। मामले में जब दोनों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के मुताबिक फ्लैट के मालिक राममणि पांडे और किसले पांडे के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि राममणि पांडे और उसका बेटा किसले पांडे पर चीटिंग, फ्रॉड और लोगों को धमकी देने के संगीन आरोप हैं। साल 2019 में इंडिया बुल्स कंपनी के मैनेजर को धमकाने के आरोप में राममणि पांडे 11 महीने तक जेल की हवा खा चुका है। मौजूदा वक्त में विदेश में बैठे किसले पांडे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में दावा किया है कि 40 किलो गोल्ड और 6 करोड़ के कैश से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं कह कह के थक चुका हूं कि उस संपत्ति या उस पैसे से मेरा या मेरे परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक कोई खास कॉरपोरेट हाउस है जो बॉम्बे से बैठ के पेड पीआर कैंपेन रन कर रहा है और प्लांटेड बंदे सामने भेज रहा है पुलिस को मिसलीड करने के लिए, और पुलिस आंख बंद करके उन लोगों पे भरोसा की चली जा रही है। अदरवाइज इसके अलावा कोई तो साइंटिफिक, कोई तो बेस होगा ना इतना बड़ा आरोप लगाने का मेरे ऊपर। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ किसले ने फ्लैट से किसी भी तरह का संबंध होने से मना किया है। फिलहाल इतनी बड़ी सोने और कैश की रिकवरी के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टर भी मामले की जांच में जुट गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।